मोमबत्ती बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। दिवाली रोशनी का त्योहार है और लोग अपने घर को रोशन करने के लिए सामान खरीदते हैं। मोमबत्ती का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, होटल्स हो या फिर रेस्टोरेंट। आप डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मोमबत्ती का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक नए बिजनेसमैन या स्टार्टअप के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, जिसे शुरू करने में बहुत ज्यादा लागत की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये ऐसी चीज है कि इसकी मांग भी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि लोग धार्मिक कार्यों, घर की सजावटों आदि के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इस बिजनेस को करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मोमबत्ती बनाने के बिजनेस को कैसे करें ये जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मोमबत्ती बनाने के लिए रॉ मटेरियल: पैराफिन मोम, बर्तन या पॉट, कैस्टर तेल, मोमबत्ती के धागे, विभिन्न रंग, थर्मामीटर, सुगंध के लिए सेंट, अवन। कितनी जगह की आवश्यकता होगी? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। आप चाहें तो घर से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मोमबत्ती के बिजनेस को शुरू करने में लगने वाली कुल लागत, ये आप पर है कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं या फिर बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इसको लो लेवल पर 10,000 से 20,000 तक की लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे करें? हर बिजनेस का ये सबसे अहम पहलू होता है कि वो अपने बिजनेस को फैलाए। अगर आप बिजनेस के तौर पर मोमबत्ती मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसकी मार्केटिंग पर खास ध्यान देना होगा। बाजार में डिजाइनर कैंडल्स की काफी डिमांड है। आप अपनी कैंडल्स रिटेल शॉप्स को या फिर होटल्स रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी इन कैंडल्स को बेच सकते हैं। तो आज आपने कैंडल मेकिंग बिजनेस के बारे में जाना। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।